टने 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 टन टेंटे हैं टन सीजन आ गया है इसका अब सुनने को मिलेगा क्योंकि शादियां हो रही हैं अभी जिनको कॉल कर रहा हूँ उनकी शादी हो रही है कब परसों परसों शादी हो रही है इनकी अब फोन मिलाओ <laughs> और इन्होंने फर्नीचर बुक किया है अपने लिए <laughs> नवीन जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नवीन जी फर्नीचर से बोल रहा हूँ हाँ भैया कहाँ हो बेड और फर्नीचर का क्या किया इसका मतलब आप घर पर नहीं हो आप आप कहाँ पे हो अभी ऑफिस में हूँ <laughs> नवीन जी परसों शादी है क्या <laughs> बस बस चक्कर सही, 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 है छुट्टी करो अच्छा तब वो फर्नीचर का बेड का नहीं तो आप ऑफिस में हो ना वो तो रखवा भी दिया मैंने मैं घर से रख के फोन कर रहा हूँ आपको हाँ रखवा दिया रखवा दिया किसने रखवाया घर पे कौन था पापा थे आपके पापा थे और एक मेरे मालूम नहीं आपके अंकल है कौन है तो उन्होंने करवा दिया था अरे यार तुमने रखवा दिया यार मैंने मैंने कहा था मतलब मैंने नहीं नवीन नवीन जी नवीन जी वो आपके पापा ने भी बताया मेरे को वो बेड आप बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं चाह रहे थे आप ये चाह रहे थे ना थोड़ा सा बीच में हो सेंटर में हाँ, 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 वही रखवाया डोंट वरी सर और कुर्सियां मैंने वही लगवा दी थी दो कुर्सियां बची थी आपकी अच्छा वही हाँ भाई, भाई, पे। भाई ना वो तो मैंने अंकल को दे दिया था कह रहे थे हम खुद रख लेना आप चले जाओ मैंने कहा आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँ और सॉरी सर डिले हो गया वैसे आपको लकड़ी में कोई कमी नहीं मिलेगी सर सर आप यकीन करना टीक है पूरा पूरा टीक जो बेड दिया है मैंने आपको पूरा टीक है सर वो आपका वाला तैयार हुआ नहीं अभी तक यार आप क्या कह रहे हो यार जो मतलब जो तैयार नहीं हुआ मतलब कौन सा रखवा दिया आपने बिना नहीं कौन वो सा सा वो दस, दस दिन अरे सर मैं आपसे कह रहा हूँ उससे अच्छा बैठ है मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ ठीक है पूरी लड़की मैंने मैंने जो मैंने बताया था मतलब वो, वो नहीं सर हम कराएंगे ना हम बैठे हैं ना हम बैठे नहीं शादी में समझ रहा हूँ सर परसों शादी है मैं अपनी अपने ही फॉल्ट मार रहा हूँ अपने ही फॉल्ट मार रहा हूँ बस आप थोड़ा सा हैंडल कर लो थोड़ा सा सिचुएशन में मैं संभाल लूंगा कौन सा रखवाया सर डबल बेड ही रखवाया है डबल बेड ही रखवाया है लेकिन वो वैसे डबल है मतलब एक के ऊपर एक है वो तो उसमें सीढ़ी भी है साइड में सीढ़ी है टिक की सीढ़ी है मतलब उसमें ना तो चार दिन में उठवा के मैक्सिमम दस दिन लगेंगे तो तो बोल रहे है तो, कौन सा वो बच्चों वाला नहीं होता डबल बेड एक नीचे सोता है एक ऊपर सोता है वो रखवा दिया है पाँच छह दिन की बात है फिर चेंज कर दूंगा मैं अभी तू पागल हो गया कुत्ते हो गया सर रखवाया तो है मैंने तो चार दिन के लिए तो रखा है सर अरे पापा क्या अंधे हो गए क्या कौन सा बैल रखवा दिया है तो पापा तो कुछ नहीं बोल रहे थे ना इसको ना दो मिनट में उठवा मैं बता रहा सर ऐसे ऐसे कैसे उठवा लू सर ऐसे कैसे उठवा लू अब क्या ऊपर नीचे करता हूँ सारी रात ऊपर ऊपर नीचे कर रहा हूँ मुझे नार दिन की बात है ना चार दिन की बात है मैं क्या करूं आप डबल बेड तो मांगा आपने डबल बेड दे दिया ना मैंने मैं तो एसे, एसे एसे मैं है मैं। सर कब मना कर रहा हूँ मैं कब मना कर रहा हूँ मैं तो गलती मान रहा हूँ अपनी क्या ये कर सर आप चार तो दिन तो 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 की तो बात है मैं करता हूँ

ठीक है नवीन रेडियो मिट्टी से नवेद बोल रहा हूँ अगर इन्विटेशन देते ना मुझसे कहते कि मैं आ जाऊं तो कभी भी इस तरह का मुर्गा नहीं बनाता जो मैंने तुमने बना दिया बना दिया ठीक है डबल बेड लग गया होगा तुम्हारा मुझे नहीं पता अब इस वाले का क्या करूं ऊपर नीचे वाले का <laughs> नवीन आवाज तो आ रही है मेरी नवीन ये वाला डबल बेड काम नहीं है <laughs> शादी मुबारक मेरी कंपनी की तरफ से लास्ट ऑफर इस तरह का डबल बेड किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हो और शादी आसपास हो तो प्लीज टैग करिए उन लोगों को धन्यवाद थैंक यू